हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टीआर बहादुरपुर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग छोड़ दिया है। जी नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन प्रिंटिंग अभी करके दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, हमारा फ्रेम यहाँ पर खुल चुका है। यही एक डिज़ाइन है जो कि कार्ड के पीछे छापना है। फैंसी कार्ड में ये पीछे डिज़ाइन बना हुआ था, लेकिन कार्ड उल्टा छप गया है, जिसको पैकिंग करते वक्त मैटर उल्टा हो जा रहा है। तो दूसरे साइड में जगह है, उसी जगह में हम इसको प्रिंट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, कार्ड बिल्कुल सीधा लगने लगेगा। फ्रेम हमारा यही है, तो चलिए इसको छाप के देखते हैं। और इसमें गोल्डन कलर का इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं, तो गोल्डन कलर से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरीके से प्रिंटिंग होती है। जिस तरीके से नॉर्मल रेड और सिल्वर कलर से प्रिंटिंग होती है, गोल्डन से भी वैसे ही होगी। बहुत सारे लोगों के पास पाउडर वाला गोल्डन होता है, तो उसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैंने रेडीमेड गोल्डन कलर लिया है। चलिए वीडियो में आपको दिखाते हैं। यह है हमारा गोल्डन का डिब्बा, अमर ज्योति के नाम से, आप इस पर देख रहे हैं गोल्डन कलर लगा हुआ है। अभी मैंने इसको खोला था, लेकिन है ये न्यू, तो इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से दिखेगा। रंग में थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का सा हम नाइट्रो डालेंगे, हमारे पास ये है नाइट्रो, और उसके बाद इसको मिक्स करते हैं, फिर अपने फ्रेम की सेटिंग करते हैं, उसके बाद आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। नाइट्रो इसमें डाल करके मिक्स करना आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देख लीजिएगा। यही डिज़ाइन हमने फ्रेम पे खोला है और इसी का सेटिंग करना है, यहाँ पे छापना है कार्ड के पीछे। आप देखेंगे इधर ये छपा हुआ है, हमको अब इस तरफ इसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए पहले हम इसको इस पर रख लेंगे और अपना देख लेंगे सेटिंग कहाँ आता है, उसके हिसाब से फिर इसको इस पर टेप लगा के और यहाँ की सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद फिर वीडियो को चालू करता हूँ। बटर पेपर को हमने यहाँ पे चिपका दिया है इससे सेट करके, और फिर इसी के हिसाब से हम अपने फ्रेम की सेटिंग करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल हम मिला लेंगे अच्छे तरीके से, ये मिल रहा है कि नहीं, और उसके हिसाब से नीचे वाले को थोड़ा बहुत आप नीचे से ऊपर कर सकते हैं इसको इसको, और उसके हिसाब से अपनी सेटिंग करके फिर निशान लगा देंगे, उसके बाद इसको हम प्रिंट करेंगे। इसके बाद सेटिंग करने के बाद फ्रेम के चारों तरफ हम टेप लगा लेंगे, ताकि हमारा कलर है जो वो बाहर ना जाए। और इसके बाद फिर हम पेंट को गिरा के और पेंट करते हैं। जब पहली बार आप पेंट गिराते हैं तो डायरेक्ट उसको प्रिंट ना करिए, पेंट को आप इस तरीके से बाहर खींच लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको प्रिंट करिए। आप देखेंगे हमारा ये प्रिंट आ चुका है, जिस तरीके से पहले वाला प्रिंट था बिल्कुल उसी तरीके से ये भी प्रिंट आया है। सूखने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से ये दिखेगा। अब इसी तरीके से हम अपने सारे कार्ड को प्रिंट कर लेंगे। ये सारा प्रिंट हो चुका है, और आप देखेंगे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कौन पहले से प्रिंट था और कौन इस वक्त प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये देखिए और ये देखिए, दोनों बिल्कुल ही सेम है। बहुत ही बारीकी से देखेंगे तो शायद पकड़ लें, नहीं तो कोई नहीं पकड़ पाएगा कि कौन इस पे पहले से प्रिंट था और कौन इस वक्त प्रिंट हुआ है।